नशा मुक्त भारत मुहिम के अंतर्गत नशे के प्रति कई जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनेकों सामाजिक संस्थाएं, पुलिस प्रशासन, कई एनजीओ युवाओं को नशे से दूरी बनाने के लिए अनेकों प्रकार की पहल कर रही हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला का चकलोट गांव में प्रदेश का पहला जिम स्थापित किया गया है, जो कि कमलकांत राणा और फराना द वाइपर के नाम से विख्यात है। इस जिम की विशेषता ये है कि इस जिम के सभी उपकरण सीमेंट से बने हुए हैं और इसके साथ साथ इसमें कुछ घरेलू चीजें का भी प्रयोग किया हुआ है। सोशल मीडिया पर युवाओं को यूट्यूब चैनल रन द वाइपर के माध्यम से फिटनेस के प्रति जागरूक कर रही हैं और साथ ही साथ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देते हैं और हिमाचल प्रदेश में नशा छोड़ो बॉडी बनाओ अभियान छेड़ा हुआ है। हालांकि इस जिम को देखने के लिए आनी के डीएसपी रविन्द्र नेगी ने इस जिम का निरीक्षण किया और जिम के संस्थापक की सराहना भी की। वहीं जिम के संचालक कमलकांत राणा ने बताया कि उनका एकमात्र लक्ष्य है कि आज के युवाओं को और आने वाली पीढ़ी के लिए नशे की जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और फिटनेस के प्रति बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फ्री में गांव के युवाओं को बॉडी से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया। नमस्कार, मैं कमलकांत राणा, पर सोशल मीडिया पर मुझे सभी राणा द वाइपर के नाम से जानते हैं। मैं बेसिकली कुल्लू जिले के निर्मल खंड के पोषणा पंचायत के एक छोटे से गांव चकलोट से संबंध रखता हूं। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने गांव में हिमाचल प्रदेश का गांव का पहला जिम बनाया हुआ है। मेरे इस जिम की जो विशेषता है वो यह है कि इसमें मेरे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मेरे डंबल वगैरह जो भी है, मेरा सारा जो सामान है सीमेंट से बनाया हुआ है, रेत से बनाया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें मैंने कुछ एक ऐसी चीजें भी यूज की हुई है, जैसे घरेलू जो चीजें होती है उनको भी मैं डेली की दिनचर्या में यूज करता हूँ। जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, काफी सारी चीजें मैंने इसमें यूज की हुई है, जैसे रस्सी वगैरह, और इसके साथ साथ जैसे ईंटे हो गई उनको भी मैं यूज करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी फिटनेस, इसके साथ साथ मैं युवाओं को ट्रेन भी करता हूँ और ट्रेन करता आ रहा हूँ। गर्ल्स बॉयज मैं दोनों को ट्रेन करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, एक फिटनेस के सिवा मैं गर्ल्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वो भी करवाता हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए। सेल्फ डिफेंस की मैंने जो ट्रेनिंग सीखी हुई है वो मैंने भारत की पुरानी कला, जो कि पूरे वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी जो मार्शल आर्ट है कलरीपयट्टू, जो कि भारत में जन्मी है, उस कला का मैं पिछले काफी समय से अभ्यास कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने ऐसी काफी सारी चीजें सीखी हुई है जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बताता हूँ। आप सभी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो आप राणा द वाइपर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर राणा द वाइपर और इंस्टाग्राम पर मेरे इस नाम को सर्च कर सकते हैं। मेरे ऑल ओवर जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं वो राणा द वाइपर के नाम से हैं, आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश का गांव का पहला जिम आप देख सकते हैं। मैं फिटनेस और हेल्थ पर स्पेशली वहां पर वीडियोस अपलोड करता हूं, और इसके साथ साथ ये गर्ल सेल्फ डिफेंस हो गया, और इसके साथ साथ मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से नशा छोड़ो बॉडी बनाओ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें मैं चाहता हूं कि आज का युवा नशे से दूर होकर फिटनेस की गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। ये मेरा एक खुद का मिशन है, ड्रग फ्री फिट हिमाचल। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए, कोई फिटनेस की एक्टिविटी आप जरूर अपनाएं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो उसे आप जरूर अपनाएं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए आनी से राकेश बिनी शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार, लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है।